रुकिए मिस्टर जयदेव, अरे कुछ शर्म करो। बेटियां, उम्र, न जाने क्या क्या कहानियां बेचते हो। देखिए मैं कहानियां नहीं बना रहा हूं, मेरे पास आपके पैसे नहीं है, मैं फ्रॉड नहीं हूं। पुलिस ने भले ही तुम्हें टाइम दे दिया हो, लेकिन हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है जब तक हमारे पैसे हमें वापस नहीं मिल जाते। अब तक सच में हम तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे थे, लेकिन अब नहीं। अब हम तुम्हें दिखाएंगे अपनी पावर। 10 लोगों को हम भी जानते हैं शहर में, अभी जाते हैं M.A.L.A. के पास। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। कि बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम। अपना ड्रामा अपने पास रखो, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब हम वो करेंगे जो हमें करना है। चलिए जी। तन्वी बेटा, यहाँ ठंडाई खत्म हो गई है, और लेकर आना। तन्वी क्या कर रही हो तुम? तन्वी ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ देख के चल रही थी तुम? क्या हो गया बेटा? सब खत्म हो गया मम्मी जी। राकेश तो जानवी से प्यार करते हैं। राकेश तुमसे बहुत प्यार करता है। ये क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, पागल हो गई हो क्या? राकेश ने झूठ बोला मम्मी जी। ये मेरी जगह पे तुमने अपनी फोटो लगाई है, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम लायक नहीं हो राकेश के। आई एम परफेक्ट फॉर हिम। वो चोरी चोरी मुझसे मिलता है तुम्हारी पीठ के पीछे। बेटा ऐसे क्यों कह रही हो तुम? आई एम 100% श्योर राकेश ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है उस पर बेटा। तुम्हें है कि नहीं? अपने आप पे, अपने रिश्ते पे, राकेश पे। अरे उस लड़की ने कुछ भी बोल दिया और तुमने मान लिया, क्यों? अरे बहकावे में आ गई हो क्या उसके? मेरी बात जरा ध्यान से सुन। ऐसी लड़की को क्या चाहिए होता है? एक रेडीमेड पति, एक रेडीमेड फैमिली, और तुम बेवकूफों की तरह उसे सब कुछ एक थाली में परोस के दे रही हो। तन्वी बेटा, अपनी फैमिली के लिए ना, अपने घर के लिए ना कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। ये फैमिली किसकी है? तुम्हारी। किसने बनाई? तुमने। तो तुमसे तुम्हारी फैमिली कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इसके लिए ना बेटा तुम्हें लड़ना पड़ेगा। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। घर ना सिर्फ खाना बनाना और पति बच्चों की सेवा करने में नहीं बनता। कभी कभी अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए ना दुर्गा और चंडी का रूप धारण करके लड़ना भी पड़ता है। और तुम ऐसे ऐसे रोंदू सी बनके उस जानवी का सामना करोगी? मुझे ना ऐसे हार मान जाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो अपने आंसू पोंछो और मुझे जीत के दिखाओ। कम ऑन, चलो आंसू पोंछो अपने। शाबाश, दैट्स लाइक माय गर्ल। अच्छा जी, हाँ मिलते मिलते जी। जी आप आए हमारे गरीब घर। हाँ जी, हाँ जी आंटी जी। ओ मैडम जी, ये कागज है, इन पर सबके दस्तखत हो गए, ये लीजिए। अच्छा, हाँ। एक मिनट देखो। अरे इसे कहते हैं नारी पावर। पप्पी बेरा यानी myself वादे का बड़ा पक्का है जी। पेपर दो, पैसे ले लो। पैसे रखे, ₹1,00,000। ये देखो। ₹1,00,000 सर? 50 लाख की बात हुई थी ना, बाकी के 49 लाख। आप हमेशा उल्टा क्यों सोचते हैं? होली हॉलीडे और क्या? और कल सुबह जैसे ही बैंक खुलेगा पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में। नो वेटिंग शेटिंग और डायरेक्ट इनकमिंग। डोंट माइंड सर, दुकान के पेपर भी हम कल ही दे दें तो। रवि ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? वो कह रहे हैं ना कल जमा हो जाएंगे तो हो जाएंगे, भरोसा रखो। पप्पी जी आपके जैसा इंसान ना ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, सच कह रही हूँ मैं। हाँ देखिए, मेरा ना इंसानियत पर से भरोसा ही उठने लगा था। मगर जब आपसे मिली हूँ ना तब से वो आप ही ने वो भरोसा कायम कर दिया। आंटी जी, मेरे मतलब मैडम जी, आपको मुझ में इंसानियत नजर आती है लेकिन इन्हें नहीं। अरे नहीं नहीं, ये तो बोला है, बच्चा समझकर माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। लाख रुपए? हाँ हाँ, गिन दीजिए। अरे क्या जरूरत है। अच्छा जी जी, चलते हैं हम। अब वो बाकी के जमा हो जाएंगे ना कल। मैं इनकी कसम खा लूं? हाँ चलो चलो। आपको कुछ और पूछना? अरे नहीं नहीं, चलो। नमस्ते जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। लवली। यस बॉस। ये कितना है? 1 लाख रुपए। आदर्श? ये 1 लाख रुपए सर। पक्का? हाँ सर। लालच बड़ी बुरी बला। लवली। यस बॉस। स्कैन कर। लवली, आदर्श, अरे ये इन लोगों ने मेरे 10 करोड़ रुपए चुकाने थे, हाँ, नहीं दे सके तो मैंने इनकी दुकानें जो है वो ले ली। एक तरफ है अवस्थी फैमिली और दूसरी तरफ है शर्मा जी। 7 जन्म तक ये लोग मेरा नाम नहीं भूल पाएंगे। पप्पी मेरा। पप्पी जी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पैसा वापस करो वरना आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी, समझे? पुलिस कुछ करे या ना करे लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है वो पप्पी। मैंने कितनी बार कोशिश की, मेरे पास इनके पैसे नहीं है। अब यकीन मानिए मेरा ये सारा किया धारा जो है ना पप्पी का ही तो है। फिर से पप्पी? उस पप्पी का नाम लेना बंद कर वरना मेरा पारा चढ़ जाएगा। झूठी कहानियां बना रहा है। मैं क्या करूँ, आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। आप लोग को गलतफहमी हो गई है, प्लीज अंकल को जाने दें। पैसा दे रहे हो कि नहीं दे रहे? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं दे देता, पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए, पप्पी मेहरा के अकाउंट में गए हैं। मैं बता तो रहा हूँ। तो ये बात है, अब देखो तुम क्या करने जा रहे हो। तुम लोग प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए ना। मुंह काला करो इस चोर का। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, ऐसी चीजें मत। हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? मोंटी पानी लेकर। कुछ नहीं हुआ है। देखो, देखिए आपकी पल्लू यही आपके साथ है, साथ में है पापा आपके। क्या तमाशा है ये? हाँ, सुनना कर दिया क्या? आप लोग यहाँ से चुपचाप जाएंगे या पुलिस को बुलाऊं? चलिए हम अंदर चलते हैं, आइए। चलिए पापा, कुछ नहीं होगा, आइए, मैं हूँ ना आपके पास। पापा, पापा, आकाश, पापा उठे। आकाश पापा बेहोश हो गए। मोंटी, मोंटी पानी जल्दी। मोंटी जल्दी आओ। जल्दी आओ। चलो चलो, इन्हें कुछ हो गया तो हम लोग फंस जाएंगे। बेहोश हो गए, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आकाश चलो। लगा अपना बोर्ड, निकाल इनका बोर्ड। और लगा अपना ताला। और एक बात सुन लो तुम लोग, टंडन और आदर्श, मुझे जो है ना अवस्थी परिवार का कोई भी बंदा दुकान के आसपास नहीं भटकना चाहिए। यार शराफत का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। अब बताओ आप लोग बताओ किसकी गलती है? हैं? मैं तो पैसे लेकर आया था, पर ये पल्लवी दीदी नारी शक्ति का झंडा उठा लिया। ये मतलब हैं? अब देखो क्या हुआ, ना मायका रहा ना ससुराल। पल्लवी देवी जी होली आपको मुबारक हो। ओए लाखन माखन, तुम दोनों यहीं रुको। चलो चल चल। पल्लवी, मैं व्हीलचेयर लेके आता हूं। हाँ। सिस्टर, व्हीलचेयर चाहिए पेशेंट के लिए। सर आप प्लीज वेट कीजिए, मेरी ड्यूटी ओटी में है। सर इमरजेंसी है, प्लीज। सिस्टर मैम व्हीलचेयर चाहिए, इमरजेंसी है। भेजते हैं मैम, भेजते नहीं है, प्लीज जल्दी। ओके 1 मिनट। खोलिए प्लीज, पेशेंट है, इमरजेंसी है, प्लीज। मैम ये पापा है। आप रुकिए, पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद ही आप पेशेंट को अंदर एडमिट करा सकते हैं। फॉर्म भर देंगे, आप इनकी हालत देखिए, बेहोश रखेंगे आप इन्हें, प्लीज एडमिट कीजिएगा। सर फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी होती है ना? हाँ फॉर्मेलिटीज करनी है, हम करेंगे ना। आप बताइए कोई है यहाँ पे फॉर्मेलिटीज करने के लिए? हाँ। मैम आज होली है ना, छुट्टी की वजह से स्टाफ कम है। तुम इन्हें अकाउंट्स में लेकर के जाओ और फॉर्म फिलअप करवा लो। पल्लवी एक काम करो, पापा को देखो, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। हाँ, हाँ। आप इन्हें अंदर ले लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, आइए आइए आराम से। क्या कर रहे हो? फॉर्मेलिटीज में बताइए आराम से। वो नर्स प्लीज आप जल्दी डॉक्टर को बुला लीजिए ना। हाँ मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। इस वक्त कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है। हाँ हाँ बस शिफ्ट ओवर है, बस पहुँच रहा हूँ। वो है ना डॉक्टर, डॉक्टर जोशी, उनकी शिफ्ट इस वक्त ओवर हो चुकी है, हमें किसी और डॉक्टर को देखना पड़ेगा। शिफ्ट ओवर हो गई? सर डॉक्टर साहब वो मेरे पापा। यस आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये डॉक्टर केबिन है। आई नो सर, पर मेरे पापा उनकी हालत बहुत खराब है, आप प्लीज एक बार चल के चेक करेंगे। देखिए मैम अभी अगली शिफ्ट में डॉक्टर्स आएंगे और वो चेक कर लेंगे। सर अभी तक आए नहीं है ना वो, उन्हें टाइम लगेगा, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज आप एक बार देख लीजिए। रिलैक्स ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारा स्टाफ है, नर्सेस भी हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड है सब लोग, तो आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। मुझे लेट हो रहा है, मुझे होगा। सर अगर मेरे पापा की जगह आपके पापा होते और आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या आप वेट करते कि कोई भगवान का बंदा आएगा? आपकी शिफ्ट ही तो खत्म हुई है, कोई पहाड़ थोड़ी ना टूटा है। प्लीज सर आई रिक्वेस्ट यू, आप थोड़ी देर की बात है, प्लीज देख लीजिए ना एक बार। सॉरी मुझे घर जाने में लेट हो रहा है। सर प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। डॉक्टर साहब प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरे पापा उनकी हालत बहुत खराब है। अरे क्या मैम, आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना, क्या आपके पापा अकेले ही पेशेंट है दिल्ली में? प्लीज रुक जाइए प्लीज। मैम ये क्या कर रही हैं आप? ये अलाउड नहीं है मैम, प्लीज ये अलाउड नहीं है, प्लीज रख दीजिए। अगर आप लोग अपना काम नहीं करेंगे हमें तो करना ही पड़ेगा ना। मैम सुनिए तो, मैम ये अलाउड नहीं है हमें। मैम सर सुनिए, सर 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 वो मैडम आपका कोट पहनकर इमरजेंसी वार्ड में चली गई हैं सर। व्हाट? यस सर चलिए ना सर प्लीज। हाँ कम ऑन प्लीज आइए सर। ये आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर के कपड़े पहन लेने से क्या आप डॉक्टर बन गई हैं? क्या बेवकूफी है ये? नहीं बनी डॉक्टर, लेकिन आपको तो हेल्प करनी नहीं है तो मैं ही करूंगी ना। क्या पता ये यूनिफॉर्म पहनने से कुछ अलग फील होता हो, तो बस मैं खुद ही कर रही हूँ सब कुछ। आकाश ये लोग सब ऑफ ड्यूटी है, कोई भी यहाँ पे ऑन ड्यूटी नहीं है, तो हमें खुद ही मैनेज करना है। सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। ये आप कैसे करेंगी? पता नहीं कैसे करूंगी सर, लेकिन मेरे पापा बेहोश हैं। कोशिश तो करूंगी। आपको तो अपनी शिफ्ट से मतलब है ना, तो आप जाइए। ओह गॉड, ओके फाइन, लाइए मैं करता हूं। और आप ये ना, आप ये सब उतारिए और मुझे इनका ट्रीटमेंट करने दीजिए, ठीक है? लाइए। और आप लोग प्लीज बाहर जाइए ताकि मैं इनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकूं। हद हो गई है सुरेश जी, दोनों फिर से चले गए और आपने जाने दिया। वो गई तो गई, साथ में मेरे बेटे को भी ले गई। इसके मायके की प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होने वाली। मतलब क्या है तुम्हारा? उसके पापा को पुलिस लेकर जा रही है और तुम कह रही हो वो कुछ ना करे? बेटी है उनकी, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? उसकी यहाँ की प्रॉब्लम तो हमेशा लगी ही रहती है। अरे ऐसी नौबत ही क्यों आई कि बात पुलिस तक पहुँच गई? और बात अगर पुलिस तक गई थी तो खुद हैंडल करे ना, बेटी को तो चैन से रहने दे ससुराल में। सुरेश जी, जयदेव जी को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि तीनों बेटियों की घर गृहस्थी है। और मैं पूछती हूँ हर बार पल्लवी ही क्यों जाए? बाकी की दो बहनें कहाँ हैं, दो दामाद कहाँ हैं? पल्लवी सबसे छोटी है अपने घर में, लेकिन जाती हमेशा पल्लवी ही है। पल्लवी का हमेशा एक पैर अपने मायके में अटका रहता है, तो मेरे बेटे का ख्याल कैसे रखेगी, कैसे खुश रखेगी उसे? अरे यहाँ हुआ क्या है? दोनों चले गए तो कोई परेशानी हो रही है? यहाँ पे कोई काम अटका हुआ है या ऐसा कुछ है जो हम लोग नहीं कर सकते हो? अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी मैं समझू, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस उस पल्लवी के ऊपर तेजाब उगलना है। आदत हो गई है तुम्हारी। आदत मेरी नहीं, जयदेव जी की हो गई अपनी बेटी के साथ रहने की। अरे इतना ही है तो एक नौकर रख लेना जो दिन भर उनको संभाले, उनकी देखरेख करे। कम से कम अपनी बेटी का पीछा तो छोड़ेंगे। तुम ऐसी कैसी हो गई हो? सुनाई दे रहा है तुम्हें क्या कह रही हो? बेमतलब की बहस किए जा रही है। अरे भगवान का शुक्र मनाओ कि ऐसी आफत कोई हम पर नहीं आई है, और तुम बोले जा रही हो कि वो अपनी परेशानी से खुद समझे। जब आकाश बीमार था ना हॉस्पिटल में, बाप बेटी दोनों दिन रात हॉस्पिटल में रहते थे, शादी नहीं हुई तब पल्लवी और आकाश की। सहज सहज रहना सीखो आप अपना, सहज। अब आप कहाँ जा रहे हैं? जयदेव जी के पास। रिश्तेदारी है, समझी है, अगर प्रॉब्लम में है वो तो उनके साथ खड़ा तो रह सकता हूँ ना। क्या हुआ ताई जी? जो होता है, सास हमेशा गलत होती है। देखिए, हमने उनके कुछ टेस्ट करवाने के लिए दिए हैं। जब तक रिपोर्ट्स आ नहीं जाते तब तक उन्हें हमें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। वैसे उनके सिम्टम्स थोड़े एबनॉर्मल हैं, लेकिन जब तक उनके रिपोर्ट्स आ नहीं जाते मेरा ख्याल है हमें वेट कर लेना चाहिए। जी सर। किस चीज का टेस्ट करवा रहे हैं बताया भी नहीं, और ठीक होंगे होश भी नहीं आया। अरे तुम प्लीज घबराओ मत, डॉक्टर ने कहा ना कि रूटीन टेस्ट है। अरे पूरे टेस्ट की रिपोर्ट तो आने दो, ज्यादा मत सोचो प्लीज। 50 लाख का लोन? ये जमीन गवर्नमेंट की है और आपने गवर्नमेंट की जमीन हमको बेच दी। कुछ नहीं सुनना है हमें, पर हमारा हाथ उठ जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.